गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। आज हम अपने साइंस का चैप्टर नंबर 3 रीड आउट करेंगे, जिसका नाम है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इसमें हम एनिमल्स के ईटिंग यानी कि खाने की आदतों के बारे में जानेंगे कि वो कैसा खाना खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, और उनको उनकी हैबिट्स के अनुसार किस क्लासिफाइड किया गया, कितने ग्रुप्स में उनको बांटा गया है, ये सब जानेंगे। और इस चैप्टर में हम इनकी फीडिंग हैबिट्स भी जानेंगे, फूड चेन के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इस चैप्टर में कि कैसे टेक केयर ऑफ एनिमल्स, कैसे एनिमल्स की देखभाल करी जाती है, कैसे उनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो चैप्टर रीड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में आए कुछ न्यू वर्ड्स स्पीक कर लेते हैं, ताकि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेल्दी, हेल्दी मीन्स आपको पता ही है, स्वस्थ। एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, शक्ति। हैबिट, आदत, हैबिट, आदत। ग्नेओ, ग्नेओ मतलब कुतरना। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, कुतर कुतर के खाते हैं, पटक करके वो। लीच, लीच मीन्स जोंक। जोंक एक प्रकार का इंसेक्ट होता है बच्चों, जो ये चिपक जाता है, जैसे गाय भैंस होती है उनके शरीर पर चिपक जाता है। च्यू, च्यू मीन्स चबाना, च्यू मीन्स चबाना। फ्लश, फ्लश मीन्स मास। क्लासिफाइड, क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत करना। हार्बिवर्स, हार्बिवर्स मतलब शाकाहारी, जो एनिमल्स खाली प्लांट्स खाते हैं, मतलब शाकाहारी भोजन करते हैं उसको शाकाहारी। कार्निवर्स, कार्निवर्स मतलब मांसाहारी, जो प्लांट्स सिर्फ जो एनिमल्स सिर्फ मांस खाते हैं। ऑमनिवर्स, ऑमनिवर्स मतलब सर्वभक्षी, जो दोनों प्रकार की चीज़ें खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। डिपेंड, डिपेंड मीन्स निर्भर, किसी के ऊपर निर्भर होना, डिपेंड होना। प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रोसेस प्रक्रिया। फीडिंग, फीडिंग मीन्स खिलाना, पालन पोषण करना। सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब अनुक्रम, किसी चीज़ को सीक्वेंस में लिखना, क्रम में करना, सीक्वेंस। कर्ड, कर्ड, कर्ड मीन्स जुगाली। आपने कई बार देखा होगा गाय और होती है जो एनी टाइम कुछ ना कुछ मुंह में चबाती रहती है, उनका मुंह चलता ही रहता है, तो उसको बोलते हैं कर्ड। स्टिकी, स्टिकी मीन्स चिपचिपा, स्टिकी मीन्स चिपचिपा। जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा, जॉ मीन्स जबड़ा। स्वैलो, स्वैलो, स्वैलो मीन्स निगलना, स्वैलो मीन्स निगलना। पॉइंटेड, पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब नुकीली, पॉइंटेड मतलब नुकीली। सुक, सुक, सुक मीन्स चूसना, सुक मीन्स चूसना। नेक्टर, नेक्टर, नेक्टर मीन्स रस, रस पराग, फूल के कणों होते हैं ना रस वगैरह पराग, जो बटरफ्लाइज या मधुमक्खीज क्या होती है, नेक्टर्स कर लेती हैं उसको। टीज, टीज मीन्स चिड़ाना, टीज मीन्स चिड़ाना। टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना, टीयर मीन्स फाड़ना। ओके, एक बार वापिस से बता देते हो, हेल्दी, एनर्जी, हैबिट, न्यू, लीच, च्यू, डिपेंड, ऑमनिवर्स, कार्निवर्स, हार्बिवर्स, क्लासिफाइड, फ्लैश, प्रोसेस, फीडिंग, सीक्वेंस, कर्ड, स्ट्रिकी, जॉ, टीयर, टीज, नेक्टर, सो, पॉइंटेड, स्वेलो। ओके, ये हमारे कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो हमने रीड आउट कर लिए हैं। अब हम चैप्टर अपना रीड करेंगे। आप बुक में पेज ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 25, और वैसे आपके स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट पेज है, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका एक पिक्चर नज़र आ रही है ना, पिक्चर नज़र आ रही है, जिसमें कि बहुत सारे हमारे एनिमल्स हैं। आप एनिमल्स देख ही रहे होंगे, और साथ ही साथ एक नीचे क्या है, टेबल बनी हुई है, और उस टेबल में क्या हुआ है, तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, और ईट प्लांट्स, ईट फ्लैश एंड ईट बोथ, यानी कि जो प्लांट्स और फ्लैश मास दोनों ही खाते हैं। तो आपको इस पेज पे क्या कहा गया है कि इस पिक्चर को देख के आपको जो इस पिक्चर में आपको एनिमल्स नजर आ रहे हैं, उन्हें आपको अलग अलग ग्रुप में बांटना है, बताना है कि कौन सा एनिमल हमारा प्लांट्स खाते हैं, कौन सा एनिमल हमारे जो है मांस खाता है, और कौन से एनिमल्स जो है हमारे वो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, दोनों ही चीज़ें लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो पिक्चर्स में एनिमल्स आए हुए हैं,
जो जो एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लुक एट द पिक्चर बिलो, पिक्चर को देखो और उसमें देखो कि आपको कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन सा दिख रहा है हमें, रैबिट। कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे मैं नाम लिख लेती हूँ उनके अलग अलग। पहले सबसे पहले क्या है, रैबिट, रैबिट नजर आ रहा है। और कौन सा एनिमल नजर आ रहा है रैबिट के साथ साथ पिक्चर में देखो, जेब्रा। जेब्रा के साथ जिराफ, जिराफ। और कौन सा एनिमल आपको नजर आ रहा है जिराफ के साथ साथ, वहां पे देखो डियर है और डियर के साथ साथ लॉय टाइगर है, डियर टाइगर। टाइगर के ऊपर देखो पेड़ पे मंकी बैठा हुआ है और उधर लायन भी है, फॉक्स है हमारे दूसरे ट्री पर, फिर बियर एलिफेंट, बियर। टेन नंबर पे हमारे क्या आ रहे हैं, एलिफेंट। और एक आप और देखोगे तो आपको पेड़ को, ये झाड़ियां हैं वहां पर क्रोकोडाइल भी नजर आएगा। क्या आएगा, क्रोकोडाइल भी नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे 11 जो है वो आपको एनिमल्स नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको इधर साइड में लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल, ओके। ये 11 की 11 आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं सामने आपके स्क्रीन पर। तो अब हमें इनके तीन ग्रुप्स में इनको हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारा ईट प्लांट्स, क्या है, ईट प्लांट्स। फिर है हमारा ईट फ्लश, यानी कि जो मांस खाते हैं। और फिर है ईट बोथ, ईट बोथ प्लांट एंड फ्लश, ओके। तो ये आप कैसे ग्रुप बना हुआ है, टेबल बनी हुई है। अब आपको यहाँ पर थ्री थ्री नेम्स तीनों में लिखने हैं कि किस ग्रुप में कौन सा आएगा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ईट प्लांट्स, यानी कि जो हमारे प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स खाते हैं, देखिए रैबिट, रैबिट जो है वो हमारा क्या खाता है, प्लांट खाता है। रैबिट प्लांट खाते हैं ना, आपको पता ही है कैरेट गाजर खाता है रैबिट। फिर है जेब्रा, जेब्रा भी हमारा क्या है, प्लांट ईटर है, यानी कि वो भी प्लांट्स खाता है, जेब्रा भी हमारा प्लांट्स खाता है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने किसका नाम लिखा है, जिराफ। किसका नाम लिखा है, जिराफ। जिराफ भी हमारा क्या करता है, प्लांट्स खाता है। ठीक है, तो हमारे तीन नेम्स प्लांट्स ईट के तो हो गए। अब हम लिखेंगे फ्लैश, यानी कि मांस। मांस कौन कौन से एनिमल्स खाते हैं, आपको पता ही है लॉयन खाता है, टाइगर खाते हैं, वुल्फ्स खाता है ना। तो इसमें हमारे कौन कौन से नाम आ रहे हैं, एक तो लॉयन आया हुआ है, एक टाइगर आया हुआ है और एक क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आपको पता ही है मगरमच्छ, ये भी क्या करता है, खा जाता है, इंसानों को भी खा जाता है, ये तो पूरा को पूरा निगल जाता है ना मगरमच्छ। तो इसमें हमारे तीन आएंगे, लॉयन टाइगर एंड क्रोकोडाइल, ओके। ये हमारे हो गए मांस खाने वाले एनिमल्स, ये पेड़ पौधे प्लांट्स खाने वाले, ये मांस खाने वाले। तो यानी कि ये शाकाहारी है, ये हमारे मांसाहारी है। अभी मैंने आपको मीनिंग में भी समझाया था कि जो शाकाहारी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवर्स। क्या बोलते हैं, हर्बीवर्स। और जो मांस खाते हैं मांसाहारी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवर्स, कार्निवर्स। और जो दोनों ही खाते हैं, दोनों ही तरह के खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवर्स। अभी हमने मीनिंग में भी जाना। अब दोनों चीजें जो खाते हैं उनके कौन कौन से नेम्स हैं, जैसे कि बियर, बियर क्या है हमारा,
दोनों चीजें खाता है, बियर दोनों चीजें खाता है, प्लांट्स भी खाता है और मांस भी खाता है। ऐसे ही मंकी, मंकी भी दोनों चीजें खाता है हमारा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट है फॉक्स, फॉक्स भी हमारी दोनों चीजें खाती हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। तो फॉक्स, बियर और मंकी, ओके। हमें थ्री नेम्स ही दिए थे टेबल में लिखने के लिए, तो ये जो नेम्स हैं आप अपनी बुक में फील कर लेंगे, इनको लिख लेंगे, ये मैं आपको वर्कशीट के जरिए भी भेज दूंगी, ठीक है। अब आपने क्या समझा कि जो हमारे प्लांट्स खाने वाले हैं वो हार्बिवर्स हैं, जो मांस खाने वाले हैं वो कार्निवर्स हैं, और जो दोनों तरह के खाते हैं उनको हम ओमनिवर्स कहते हैं। तो इस टेबल से आपको ये पता चल गया कि ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, उनके खाने की आदत के अनुसार हम एनिमल्स को तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कौन कौन से ग्रुप में? हार्बिवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स, ओके। जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इन तीनों के बारे में कि हार्बिवर्स क्या होता है, कार्निवर्स क्या होता है और ओमनिवर्स क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता ही दिया है कि हार्बिवर्स वो होते हैं जो हमारे प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, और कार्निवर्स वो होते हैं जो हमारे मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, और जो दोनों खाते हैं उनको हम ओमनिवर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के न्यू वर्ड्स कराए हैं, जो मैं आपको वर्कशीट के जरिए भेज दूंगी, और जो फर्स्ट पेज है आपके चैप्टर नंबर 3 का वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। इसमें यही लिखा था कि द एनिमल शोन इन द पिक्चर ईट डिफरेंट थिंग्स, कि जो एनिमल शो हो रहे हैं इस पिक्चर के अंदर वो अलग अलग चीजें खाते हैं। राइट डाउन देयर नेम्स इन द टेबल बिलो अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट, कि जो नीचे टेबल बनी हुई है आपको उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग लिखना है उनके नाम को, कि वो कैसा खाना खाते हैं उस हिसाब से। आपको पता ही है हम अपने आसपास चारों तरफ अलग अलग एनिमल्स देखते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखते हैं, और उनके खाने की खाना भी क्या होता है उनका अलग होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो यही हम इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे, और जो मैं वर्क भेजूंगी वो आप नोटबुक में जरूर करें, ओके। थैंक यू।